नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और साथ ही एक और बात, अपनी बेटियों को आप सही और गलत फैसले देने की छूट दीजिए। और ये भी हो सकता है कि अपनी उम्र के हिसाब से वो सही फैसले ना लें, गलत फैसले लें, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। आप उन्हें एक गुंजाइश दीजिए, स्पेस दीजिए, जब वो गलती करें तो वापस अपने घर लौटे। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगी। वो कहानी श्रद्धा की है, आप मेरे साथ बने रहिए। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे साथ हमेशा जुड़ने के लिए, ताकि उन्हें पहले मेरी वीडियो मिले। और जिनको ये वीडियो पसंद आए वो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, श्रद्धा की जब बात होती है तो हम अल्ताफ की बात करते हैं, आफ्ताब की बात करते हैं। और आफ्ताब से मतलब कि हम उसके जिसने उसको मारा है उसके किलर की बात करते हैं। लेकिन ये कहानी कुछ और भी हो सकती थी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये कहानी कुछ और भी हो सकती थी अगर श्रद्धा के सामने उसके घर के दरवाजे खुले होते। श्रद्धा ने एक गलती करी थी, अपने पिता से ये कहा कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ और आप मुझे ना सिखाइए, मैं जानती हूँ कि मेरा क्या सही फैसला है, क्या गलत फैसला है। लेकिन जब वो अपने प्रेमी से बार बार पिट रही थी, बार बार उससे मार खा रही थी, तब अगर उसके घर का दरवाजा उसके लिए खुला होता तो वो अपने दोस्तों की बजाय अपने परिवार के लोगों से बात करती। अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, उनकी रिलेशनशिप 2019 की है, लेकिन उनके झगड़े 2020 में ही शुरू हो जाते हैं। एक चैट सामने आ रही है जिससे ये पता चलता है कि ये चैट 24 नवंबर 2020 की है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने ऑफिस में ये कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहद परेशान है, उसका बीपी लो है, उसके जिस्म पे बहुत सारी चोटें हैं, चोटों की वजह से वो अपने बेड से उठ नहीं पा रही है। दरअसल ये वो वक्त है जब आफ्ताब ने श्रद्धा को पूरी तरह से पीटा था। और ये जब भी उससे बुरी तरह से पीटती थी तो अंदर से बहुत बहुत हद तक कमज़ोर हो जाती थी। एक तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान हैं। अब वो उसके दोस्त सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर माता पिता को पता चलती कि उसको इस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी माता पिता इतना निर्दयी नहीं होता। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलती है। श्रद्धा ने अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और माता पिता ने भी कहना चाहिए कि दूसरे लोगों से उसकी जानकारी जुटाते रहे या उसके व्हाट्सएप स्टेटस से जानते रहे कि वो ठीक है, लेकिन कभी उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि तुम घर आ जाओ या तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो रहा तो तुम घर आ जाओ या तुम कैसी हो। उससे किसी ने लगातार कोई बात नहीं की। अच्छा, हम अक्सर अपने बेटों की गलतियों को छिपा लेते हैं। अगर उसने शादी कर ली है तो 6-7 महीने के बाद वो वापस घर आ जाता है और फिर ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। यानी कि बेटा गलती करे तो उसके लिए घर का दरवाज़ा खुला है, लेकिन बेटी गलती करे तो माँ बाप सबसे पहले तो ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, बेटी क्या करके आई है, कहाँ से क्या करके आई है। और ये हर माँ बाप को पता होता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियाँ करके ही सीखता है। लेकिन इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि अगर लड़की गलती करे तो उसको घर में एंट्री मिलनी चाहिए, जैसा कि हम अक्सर लड़कों को एंट्री देते हैं। यहाँ इस केस में
मैं फिर कह रही हूँ कि कहानी कुछ और हो सकती थी अगर श्रद्धा को अपने घर में जाने की इजाज़त होती। अब उसके पिता कह रहे हैं कि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं पुलिस के सामने। वो कह रहे हैं कि उसने कहा कि वो 25 साल की हो गई है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। ठीक है, उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फैसला लिया, लेकिन उसे ये भी पता था कि अब वो घर नहीं जा सकती, क्योंकि माता पिता ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको ये मैसेज ज़रूर दे दिया होगा कि तुम फला के साथ रह रही हो तो अब इधर पीछे मुड़ के नहीं देखना। लिहाजा जो नतीजा हुआ आपके सामने है वो 2020 से, यानी कि 2 सालों से उससे पिट रही थी, मेंटली फिजिकली हरेस कर रहा था, वो हर तरीके से उसे परेशान कर रहा था। और जो एक लव जिहाद की बात सामने आ रही है वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर हम अपने बेटी और बेटों के तौर पे देखें तो ये ज़रूर है कि अगर उसके पिता ने, उसके भाई ने, माँ तो उसकी रही नहीं, अगर ये कहा होता कि तुम्हें कोई दिक्कत कभी पड़े तो वापस घर आ सकती हो। लेकिन जहाँ तक भारतीय परिवारों में देखा जाता है कि अगर लड़की मर्जी के खिलाफ जा रही है तो उसे कह देते हैं कि तुम वापस लौट के नहीं आना, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गलत कदम होता है बेटी को ये कहना कि अब तुम घर नहीं आ सकती हो। वो घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, और फिर उसका वही हाल होगा जो आफ्ताब ने उसका हाल किया 2 साल तक। कैसे उस लड़की ने उस कहना चाहिए कि शैतान किस्म के आफ्ताब को सहन किया, ये उसका दिल ही जानता होगा। और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बच्चों के साथ अगर बच्चे ने गलती करी भी है, बच्चा कहीं जा भी रहा है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म ना करें। कम से कम आपको ये तो पता रहे कि आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा किस हाल में है। अब जिस तरीके से कई तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, कई तरह की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, वो ये बताती है कि वो बहुत ही डिप्रेशन में जी रही थी और काफ़ी उसे आफ्ताब हरेस करता था, चाहे फाइनेंशियली हरेस करता हो, चाहे फिजिकली करता हो, चाहे मेंटली करता हो, सब तरीके से वो दुखी थी। और ये जो अब कहानी हो रही है श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के जो टुकड़े टुकड़े अलग अलग जगहों से ढूंढने का एक प्रोसीजर है, पुलिस का है, वो पुलिस को तो ये सब काम करने ही हैं, लेकिन हम अपनी पुलिसिंग खुद क्यों नहीं करते अपने परिवार की। पुलिस की दिक्कतें तब बढ़ती हैं जब परिवारों से ठीक तरह के मैसेज बच्चों को नहीं दिए जाते और बच्चों के मैसेज सही तरीके से पेरेंट्स तक नहीं पहुंचते। अब पुलिस उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल तक और फिर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक चक्कर काट रही है, और आफ्ताब इतना शातिर है, उसे ये पता था कि इमोशनली और हर लिहाज से ये लड़की उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसी बात का उनमें आपस में झगड़ा होता था, और श्रद्धा को ये भी पता था कि उसके एक दो नहीं कई अफेयर हैं, इस बात को लेकर के झगड़ा होता था। अब वो जाए तो जाए कहाँ। एक और भी बात है जो लड़कियों को खासतौर पर ध्यान देना चाहिए, अगर वो ठीक से कमा रही थी तो वो माँ बाप के पास ना भी जाती, अलग हो सकती थी, उससे छुटकारा पा सकती थी, उसके बारे में पुलिस से बात कर सकती थी। अगर वो लिविन में ही रह रहे थे तो लिविन के लिए भी बहुत सारे कानून, जब ये बना था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि अगर हरेसमेंट होती है तब भी आप पुलिस के पास आ सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, कानून है। लेकिन इस लड़की श्रद्धा को न जाने कितना प्रेशराइज किया हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्ताब को ये पता था कि श्रद्धा के पास
जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अब सारे जो डिटेल्स हैं उनके लिए पुलिस इधर उधर जा रही है, तमाम सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मेन बात है मैं उस पर आना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ज़रूर अपने बच्चों के साथ उनका कन्वर्सेशन होता रहना चाहिए, कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। कम से कम लड़कियों के साथ माता पिता ऐसा बिल्कुल ना करें जैसा श्रद्धा के साथ हो गया। बहुत सारी लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं इन दिनों। अगर मैं फेसबुक पे देखूं तो वो सब लड़कियां अपनी कहानियां कह रही हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, उनको लगा कि ये गलत फैसला है, वो उस रिश्ते से निकल आई, या उन्होंने थोड़ा बहुत टॉयलेट किया उसके बाद वो स्टैंड हो गई और फिर अब उनकी ज़िंदगी चलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके परिवार थे, उनके माता पिता थे और लड़कियां सरवाइव कर गई। बहुत सारी कहानियां इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लड़कियां शेयर कर रही हैं और लड़कियां ये भी कह रही हैं कि माता पिता को लड़कियों के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। गलती हर एक से होती है, वो खुद मान रहे हैं कि हमने कई फैसले गलत लिए लेकिन हमें हमारे माता पिता का सपोर्ट मिला। तो इस बहाने बहुत सारी बातें निकल रही हैं लेकिन लब्बा लबाव यही है कि अगर आपकी बेटी कुछ गलत करती है तो उसके सामने ये ज़रूर होना चाहिए कि वो जब कहीं जाने की सोचे तो माता पिता का दरवाज़ा उसके लिए खुला हो। दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये बहुत ही भारी मन से बनाई है क्योंकि तमाम मैंने लड़कियों की पोस्ट सोशल मीडिया पे देखी जो इन दोनों श्रद्धा के चलते सामने आ रही हैं। सबका लब्बा लबाव यही है कि अगर किसी को कहीं ये लगता है कि वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो अपने घर से निकल आई है यानी कि अपने माता पिता को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ रह रही है या अपने पति के साथ रह रही है, पति मैं यहाँ शब्द प्रयोग नहीं करूँगी क्योंकि पति के साथ थोड़ी सी एक ऑफिशियल चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा वहाँ डर रहता है लेकिन कभी कभी वहाँ वो डर नहीं होता। लेकिन लिव इन में जो लोग रह रहे हैं और जहाँ अपनी मर्जी से जो लड़कियाँ शादी करती हैं या किसी के साथ रहती हैं और वो लड़कियाँ अपनी कहानियाँ शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि उन्होंने सही समय पे ना कहीं सही समय पे वो उसे छोड़ देती हैं और सही समय पे सही डिसीजन लेकर के आज की तारीख में वो खुश है। तो फिलहाल इतना ही। आप दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।